भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत हासिल की और भारत पर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम अब 1-0 से आगे हुई है और 12 जून को दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले की बात करें तो टीम के लिए वान दार शूज और डेविड मिलर ने शानदार साझेदारी की। बात करें अगर निजी स्कोर की तो वान दार शूज ने 46 गेंदों में 75 रन की नॉट आउट टप पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके 5 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 163.04 का रहा। डेविड मिलर की बात करें तो उन्होंने 31 गेंदों में 64 रन की नॉट आउट पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 5 छक्के 4 चौके लगाए और 206 के स्ट्राइक रेट से भी ज़्यादा से रन बनाए। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों के बीच 64 गेंदों में 131 रनों की नॉट आउट साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बता दें कि भारत की तरफ से गेंदबाजी फ्लॉप रही और टीम के लिए केवल भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अक्षर पटेल ने ही 1 विकेट चटकाया, लेकिन इसके अलावा कोई भी गेंदबाज विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पाया। डेविड मिलर ने अपने IPL के फॉर्म को जारी रखा और भारत के खिलाफ जमकर रन बनाए। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने वान दार शूज का एक कैच छोड़ा और टीम के लिए वो भारी पड़ गया। T20 में डेविड मिलर ने अपना 4th अर्धशतक लगाया। इसके अलावा वान दार शूज ने अपना 6th अर्धशतक लगाया और टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी क्या भारत इस सीरीज में वापसी कर पाता है या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।